नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी हीट इफेक्ट लगातार चल रही है हमारे द्वारा, तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा चेक कर लीजिएगा। उसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री की जितनी भी सीरीज है सबका अलग अलग मैं फैक्ट आप लोग के सामने लाया हूं। तो आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर चन्हुदड़ो की चर्चा करूंगा। चन्हुदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अच्छा नगर था, एक बड़ा नगर था, एक विस्तृत नगर था, और वहां से बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिस पर हम लोग का यकीन नहीं था ऐसे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चन्हुदड़ो से। आगे चर्चा करेंगे। चन्हुदड़ो से लिपस्टिक मिला है, आप समझ सकते हैं कि अब वो कितना बड़ा विकसित नगर था कि चन्हुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं, चन्हुदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष मिले हैं। मतलब उस समय की जो स्त्रियां थी वह भी श्रृंगार आदि करती थी और श्रृंगार कला में उस समय के भी लोग निपुण थे। तो चन्हुदड़ो से चन्हुदड़ो की चर्चा करेंगे और चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो देखिए चन्हुदड़ो है कहाँ, तो चन्हुदड़ो जो है पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे है। यहां से क्या क्या मिला, सबसे बड़ी चीज क्या मिली थी चन्हुदड़ो से, वह मिला था मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल चन्हुदड़ो से मिला हुआ था, मनके बनाने का कारखाना। मनके क्या होता है, देखिए मनके का मतलब समझिए माला, जो स्त्रियां या पुरुष पहनते हैं माला, ऐसे ही समझिए, उस तरह को उसको मनके कहा जाता था। तो मनके बनाने का जो कारखाना प्राप्त हुआ है वह चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो के अलावा मनके बनाने के कारखाने लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के दो ऐसे नगर थे जहां पर मनके बनाए जाते थे, जहां पर मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है चन्हुदड़ो से और लोथल से। देखिए चन्हुदड़ो से एक और चीज मिली हुई है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। एक ईंट है, ईंट पर बिल्ली को चूहे का पीछा करते हुए दिखाया गया है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह है। मतलब ईंट पर, यहाँ पर कुत्ता है, समझिए यहाँ पर कुत्ता है, मैं फिगर नहीं बना पाता हूँ, कुत्ता है, कुत्ता दौड़ रहा है और इधर पे बिल्ली है, बिल्ली दौड़ रही है और कुत्ते का पदचिन्ह है, पदचिन्ह भी अंकित किया गया है। तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह दिखाए गए हैं, वह दिखाए गए हैं चन्हुदड़ो से। तो चन्हुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मनके बनाने के जो कारखाने मिले हैं लोथल से भी मिले हुए हैं। तो लोथल और चन्हुदड़ो दोनों जगह से मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। चन्हुदड़ो से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह अंकित हैं, इसका भी साक्ष मिला हुआ है चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से चार पहिए वाली गाड़ी मिली हुई है, एक गाड़ी है जिसके चार पहिए हैं, तो चार पहिए वाली गाड़ी के जो साक्ष मिले हुए हैं वह चन्हुदड़ो से मिले हुए हैं। चन्हुदड़ो से एक पट्टी मिली हुई है, एक चौकी मिली हुई है। चौकी मतलब जानते हैं, जैसे कि जब प्राइमरी स्कूल थी, आर्य प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल पर पहले के जो बच्चे होते थे वह लेकर जाते थे, एक पट्टी होती थी, लकड़ी की पट्टी होती थी, उस पर लिखा करते थे चाकाद से। तो इस तरह की पट्टी जो प्राप्त हुई है, लकड़ी की चौकी प्राप्त हुई है जो लिखने के लिए काम में लाई जाती थी, यह जो प्राप्त हुई है चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है। तो चन्हुदड़ो से क्या मिला हुआ है, मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है। चन्हुदड़ो से क्या मिला हुआ है, ईंट पर बिल्ली का पीछा कराते हुए कुत्ते के पदचिन्ह अंकित है और यह मिला हुआ चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से एक चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष मिले हुए हैं। चन्हुदड़ो से चौकी के साक्ष मिले हैं, जिस पर चौकी के साक्ष मिले हुए हैं जिस पर लिखने का प्रयोग होता था। चन्हुदड़ो से गोलाकार ईंट भी प्राप्त हुआ है। मतलब ईंट तो चौकोर ही होते हैं आमतौर पर, लेकिन चन्हुदड़ो में एक ऐसी ईंट मिली हुई है जो गोलाकार थी। मतलब चन्हुदड़ो में गोलाकार वाली ईंट का भी प्रयोग होता था। तो गोलाकार ईंट जो प्राप्त हुई है वह चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंट के जो साक्ष मिले हुए हैं, अलंकृत ईंट मतलब ईंट पर नक्काशी होती थी, ईंट पर डिजाइनिंग होती थी, ऐसी ईंट के साक्ष कालीबंगा से मिले हुए हैं। शायद कालीबंगा वाले वीडियो में हमने इसका जिक्र नहीं किया होगा। तो अलंकृत ईंट के जो साक्ष मिले हुए हैं वह कालीबंगा से मिले हुए हैं, गोलाकार ईंट के जो साक्ष मिले हुए हैं वह चन्हुदड़ो से मिले हुए हैं। और चन्हुदड़ो की जो सबसे विशेष खोज जो हम सभी लोगों को दंग कर देती है वह मिला हुआ है चन्हुदड़ो से, लिपस्टिक का साक्ष मिला हुआ है, लाली का साक्ष मिला हुआ है कि चन्हुदड़ो की जो स्त्रियां थी वह लिपस्टिक लाली आदि का प्रयोग करती थी। तो चन्हुदड़ो से लिपस्टिक का साक्ष मिला हुआ है और चन्हुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन का डिब्बा मिला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि चन्हुदड़ो के लोग कितने आगे थे। चन्हुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन का डिब्बा मिला हुआ है जिसमें पूरे सौंदर्य प्रसाधन की जो भी चीजें होती थी वह रखी रहती थी।
तो चंदूड़ों से यह सब सारी चीजें मिली हुई है। और हमारे साथ कभी भी आइए, कभी भी बैठिए, तो कलम कापी लेकर बैठिए या अपने याददाश्त को तेज रखिए। हम जो भी कुछ बताते हैं, जो भी कुछ बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, उस सबको नोट डाउन किया करिए। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री की सभी फैक्ट को क्लियर किया गया है और ये सभी एनसीईआरटी की सीरीज है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा सेकंड चैनल है बुक्स अड्डा के नाम से, बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बुक्स अड्डा को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे बुक्स का रिव्यू हमारे द्वारा किया जाता है और उन बुक्स का मैं पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और चीज में भूल रहा है, चंद्रों से दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं, चाहे मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, रोपड़ हो, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं, सब में दुर्ग के साक्ष्य मिले हुए हैं। मतलब दुर्ग होता था, दुर्ग मतलब किला, तो दुर्ग के साक्ष्य हर जगह मिला हुआ है। लेकिन चंद्रों सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जहां पर दुर्ग के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, मतलब कोई किला नहीं था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।